हाय एवरीवन दिस इज़ बुरानी आज का टॉपिक हमारा है अर्गोस्टेमा कॉरेटिना ये एक नई प्लांट की स्पीशीज़ है कॉफ़ी फैमिली की और वेगामॉन जो है वहाँ पे इसको स्पॉट किया गया है वेगामॉन कहाँ पे है एक टाउन है केरला में तो वहाँ पे ये प्लांट स्पीशीज़ मिली है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा अब देखिए ये जो नई प्लांट स्पीशीज़ है ये कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करती है और इसको वैगमॉन हिल्स जो है केरला में वहाँ पर इसको स्पॉट किया गया है अब देखिए इसका नाम है एर्गोस्टेमा क्वारंटीना क्वारंटीना क्योंकि कोविड नाइनटीन पैंडमिक चल रहा है बहुत सारे लोगों की जान गई है उन लोगों को कमोमोरेट करने के लिए क्वारंटना ये जो नाम है इसका उस पर रखा गया है देखिए कॉफ़ी की स्पीशीज़ पे एक पहले भी मैंने आ, एक लेक्चर बनाया था वहाँ पे एक नई स्पीशीज़ थी जिसको एक तरह से रीडिस्कवर किया गया था क्योंकि कॉफ़ी प्लांटेशन एक बहुत बड़ा बिज़नेस है इससे बहुत रेवेन्यू आता है और अगर हमको जिस तरह सा क्लाइमेट चल रहा है जो कॉफ़ी की स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे प्रोडक्शन जो इसकी कम होती जा रही है तो इस तरह की और नई स्पीशीज़ ढूंढना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ताकि ये जो एक बिजनेस है इसमें इतने लोग एम्प्लॉयड हैं ये आने वाले समय में चलता रहे इसलिए ये नई स्पीशीज़ इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी एग्जाम में भी जो नई स्पीशीज़ प्लांट की एनिमल्स की डिस्कवर होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केरला में इस जगह पर यहाँ पे वैगमॉन एरिया में इसको ढूंढा गया है स्पॉट किया गया है एक डेलिकेट सी हर्बेशियस स्पीशीज है ये रूबिसा आप देख सकते हैं रूबिस ये इसको आप आ, कैसे भी प्रनाउंस कर सकते हैं आ, ये फैमिली है इसकी जैसे मैं आपको बहुत बार लेक्चर्स में समझाती हूँ कि किंगडम होता है फाइलम होता है फ़ैमिली फिर जीनस स्पीशीज उससे पहले क्लास ऑर्डर्स एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है नेम है आ, आपके फ़ादर्स नेम है एड्रेस है तो पता चलता है ओके okay, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है और ये इंसान है तो इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को भी हम इसी तरह का एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं तो आप देख सकते देख सकते हैं फैमिली रूबीसीए से ये बिलोंग करता है और इसको आप क्विक फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं पानी की वहां पे उस पैच के आसपास कोटियाम इडुक्की कोटेम बॉर्डर पे इसको ढूंढा गया है अब क्वारेंटिना का नाम कोविड को कमोरेट करने के लिए ये आप याद रख सकते हैं अब इसकी ये जो स्पीशीज है बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो साउथ इंडियन आपके दो एंडमिक्स हैं कॉफी के आ, टू साउथ इंडियन एंडेमिक्स एंडेमिक्स यानी वो प्लांट्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं अर्गोस्टेमा अनुपमा अर्गोस्टेमा कोटलेंसा ये उनसे मिलती जुलती भी है बट जो एर्गोस्टेमा क्वारंटीना है लेकिन इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो उनसे अलग हैं जैसे कि इसके स्टेम लीव्स ट्रिप्यूल्स ये रिसर्चर्स का मानना है अब अनडिस्टर्ब हैबिटाट्स इसको जहाँ पे ढूंढा गया है वो बिल्कुल वो एरियाज़ हैं जो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड हैं ये एक पेरिनियल हर्ब है और देखिए कितना अगर हम इसको कमर्शियलाइज कर पाएँ तो कितना बेनिफिट है पेरनील हर्ब है यानी पूरा साल होती है ऐसा नहीं है कि सीजनल है और इसकी हाइट थ्री टू सेवन सेंटीमीटर तक जाती है वाइट फ्लावर्स रहते हैं इसके और माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस को लेकर ये थोड़ी सेंसिटिव है वेट रॉक्स में आपको ये मिलेगी अनडिस्टर्ब हैबिटाट्स में या फिर जो स्ट्रीम्स होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में वहां पे और जो लोकेलिटी वैगा वाला एरिया याद रखिए जहाँ पे ये मिली है लेकिन इसको क्लासिफिकेशन हमने इसका फैमिली वाला आपको बताया लेकिन आई का जो क्लासिफिकेशन होता है कि कोई स्पीशीज़ वॉलरेबल है थ्रेटनड है वहाँ पे इसको डाटा डेटा डेफिशिएंट में रखा गया है यानी अभी हमारे पास स्पेसिफ़िक और भी बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होगी ये बताने के लिए कि ये किस कैटेगरी में है आ, क्या ये किसी और जगह पाया जाता है क्या ये थ्रेटन स्पीशीज़ है ओके okay, या एक्सटिंक्ट होने वाला है कुछ भी तो अभी अप्रोप्रिएट कैटेगरी इसकी डिसाइड नहीं हुई है अब बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है वो बताती है एक तो देखिए कॉफ़ी इज़ अ डिफरेंट थिंग कॉफ़ी स्पीशीज़ की ये है बट एक जो नीड है अर्जेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेगामॉन कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना है तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है ये एक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात आती है और इनफैक्ट ये फिफ्थ स्पीशीज़ है वेगमॉन में जो एक नई स्पीशीज़ जो आज तक नहीं पता था वो रिसर्चर्स को मिली है देखिए अभी दुनिया में इतनी तरह के प्लांट्स एनिमल्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते इसलिए आप देखें कि अभी भी अभी भी ये डिस्कवरीज जो हैं वो होती रहती हैं और यहाँ पे हम क्विकली देखेंगे कुछ और प्लांट स्पीशीज़ जो वेस्टर्न घाट्स में मिले हैं तो इस बार आपको एर्गोस्टेमा क्वारंटीना के बारे में पता चला कॉफी की स्पीशीज़ है और कौन से हैं पायरोस्ट्रिया लाल जी नाम देखिए स्पीशीज़ का लाल जी रखा गया है स्पीशीज पायरोस्टेरा लाल जी फर्स्ट इसको रिकॉर्ड किया जीनस जो पहला होता है ये जीनस बोलते हैं इसको जो दूसरा है इसको स्पीशीज़ बोलते हैं अब ये टाइपिंग है बट जब भी हम इस चीज़ को लिखते हैं कॉपी पे आप लिखेंगे पायरोस्टेरा लाल जी तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे अगर हम इसको टाइप करते हैं तो इसको इटैलिक्स में टाइप करते हैं और जो एल है ये छोटा होना चाहिए ओके स्मॉल uh, लेटर से हम लिखते हैं तो जो ये ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है बस इसको इटैलिक्स में होना चाहिए या फिर इसको हम अंडरलाइन करेंगे तो ये जो नया स्पीशीज़ है पायरोस्टाया लाल जी फर्स्ट इस आप कह सकते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द जीनस ये जो जीनस है पायरोस्टेरिया इंडिया में पहला इसका ये स्पीशीज़ मिला है और यूजुअली मैट गैसकर वाले एरिया में ये पाया जाता है तो रिसेंटली आप कहें कि इंडिया में भी ये मिला है इसकी लॉन्ग स्टेम होती है वाइट कोटिंग होती है ट्रंक में तो आप पहले भी मैंने बहुत बार कहा कि मैं बहुत सारे लेक्चर्स बनाती हूँ न्यू स्पीशीज़ पे प्लांट्स एनिमल्स के तो वाइट पेजेस लगा लीजिए वहाँ पे प्लांट्स के अलग स्पीशीज़ लिखते चलिए जो नए हैं बस नाम लिखिए और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए कि कहाँ पर मिला दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम ओके तो उसके बाद ये जो लाल जी है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो देखिए ये डेटा uh, डेफिशन नहीं है डेटा है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आई यू सी एन रेड लिस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू पोकवीड स्पीशीज़ पोकवीड नेम है रिवीना एंड मानसिस दिस सेट इट वाज फाउंड ग्रोइंग अंडर लार्ज ट्रीज़ लार्ज ट्रीज़ के नीचे पोकवीड स्पीशीज़ जो है ये पाया जाता है श्रबी प्लांट्स uh, जो हैं uh, उसके बाद ये लाइन देखिए दिस सेट इट वाज फाउंड ग्रोइंग अंडर लार्ज ट्रीज़ शेडेड एंड रॉकी एरियाज़ पहले या तो लार्ज ट्रीज़ में मिलेगा शेडेड या रॉकी एरियाज़ में मिलेगा जहाँ पे साथ साथ हर्ब्स और श्रबी प्लांट्स होंगे अब ये जो डिस्कवरी है न्यू स्पीशीज़ की ये पहला रिकॉर्ड दिखा रहा है पोकविड फैमिली का अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तो हर जगह का कुछ ना कुछ खासियत है नए नए जो स्पीशीज़ हैं अंडमान आइलैंड्स आप जानते हैं फाइव सेवेंटी टू का एक ग्रुप है यहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है न्यू स्पीशीज़ पाइप वॉट्स तो याद रखिए पाइप वॉट्स नाम इसके लिखते चलिए जैसे आज हमने अर्जेंटीना सॉरी ये आपका क्वारंटीना वाला स्पीशीज़ देखा लालजी स्पीशीज़ देखा पाइप वॉट्स अब अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के जो हैं उन्होंने ये दो स्पीशीज़ इसकी पाइप वॉट्स की वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र और कर्नाटका में उनको मिली हैं ये जो स्पीशीज़ है सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक बार मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे भी आगे एक जगह एक फ़िश को बताइएगा एक फिश को वहाँ पे प्रिजर्व करने की बात की गई थी उस एरिया को ही इन्होंने प्रोटेक्टेड घोषित किया था तो यहाँ पे भी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आसपास भी बहुत एंडेमिक स्पीशीज़ आपको मिलती हैं अब ये जो है इसको इसकी एक स्पीशीज़ तो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से मिली और दूसरी कुमता कर्नाटका से इसकी स्पीशीज़ मिली है पाइप वॉट्स की ये प्लांट ग्रुप है जो कि अपनी लाइफ साइकिल स्मॉल पीरियड जो मॉनसून का है मॉनसून का जो समय आता है उसमें अपना लाइफ साइकिल ये पूरा कंप्लीट करता है तो ओवरऑल इंडिया में 111 स्पीशीज पाइप के मिलते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो नई स्पीशीज़ डिस्कवरी डिस्कवर हुई है यूजली पाइप वॉड्स की होती है तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा रीडिस्कवर और एक्सप्लोर किया जाएगा जैसे कि क्या वो एंटी माइक्रोबियल है एंटी uh, फंगल है तो हर प्रॉपर्टी के लिए उसको चेक किया जाता है कोई भी प्लांट जब हमको मिलता है द न्यू स्पीशीज़ वॉर डिस्कवर पैल एक्सप्लोरिंग बायडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स तो ये स्पीशीज़ तभी मिलती हैं जब एक्सप्लोरेशंस चलती रहती हैं अब नेक्स्ट स्पीशीज़ देखिए अरगैरिया ये है शरद चंद्रा जी अब ये जो नई स्पीशीज़ है फ्लावरिंग प्लांट की जीनस आप देख सकते हैं दिस इज जीनस दिस इज स्पीशीज़ में आप कोई भी नाम देख सकते हैं इसको साउथ महाराष्ट्र कोहलापुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो है वहाँ पे इसको पाया गया और देखिए इसमें ऑनर किसको दिया है शरद नाम है इसका शरद चंद्रा जी जो एन चीफ़ हैं शरद पवार उनको ऑनर करने के लिए इस स्पीशीज़ का नाम रखा गया है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट आपका वेस्टर्न घाट्स में आता है इकोलॉजिकल जोन है रिच डाइवर्सिटी है इस एरिया की न्यू स्पीशीज़ जो है ये आपकी देवराई आप कह सकते हैं इन आलम प्रभु देवराई में ये आपको मिली है दी स्पीशीज़ आर फाउंड इन ओनली एशियाटिक कंट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक कंट्रीज में ही ये पाई गई है अभी तक बाहर नहीं पाई गई बट डेफिनेटली एक्सप्लोरेशंस जो है वो चलती रहती हैं प्लांट जो है इसका उसमें फ्लॉरिंग जुलाई और सेप्टेम्बर के बीच में होती है ओपन हैबिटेट्स में आपको मिलेगा तो अभी तक हमने एर्गोस्टेमा क्वारंटीना के बारे में पढ़ा और वेस्टर्न घाट्स में अभी तक जितनी भी नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं प्लांट की उनके बारे में हमने जाना तो क्वेश्चन आपके लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अर्गोस्टेमा क्वारंटीना इज इनफैक्ट द फिफ्थ स्पीशीज डिस्कवर्ड फ्रॉम वैकामॉन एर्गोस्टेमा क्वारंटीना टू कमेमोरेट द मिलियंस हु डाइड इन कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक तो सही आंसर क्या है टेलीग्राम में अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में अभी इंस्टाग्राम पराम्सो सो so, अभी फिलहाल टेलीग्राम पे वी आर अपडेटिंग आंसर्स डेली तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मालूम है कॉमेंट सेक्शन में लिखिए बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेस की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच